बकरा नहीं बकरा तो हमें किस लिए टाइम जाया कर रहे हो खुदा हाफिज। बैठो यार बशीर, तुम बड़े बेमुरव्वत आदमी हो यार, बैठो जरा। शाबाश है, मैं बेमुरव्वत हूँ? ओ पतीत तो आप लोग हैं, ना को चाह ना पानी, ऊपर से डोसे के डब्बे रखे हुए सामने मेरे। इतना नहीं कोई कह रहा कि यार बशीर बै तो सही यार, तेन केक गुआ दे। आप बैठे बशीर साहब, अभी आपको केक भी खिलाएंगे। खिलाएंगे, पता नहीं उसके बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। खोले डब्बा जो है, अल्लाह वारसा लाओ इधर। बैठो यार, खिला देते हैं तुम्हें डोसे भी। मैं तो इसके नखरे देख के हैरान हूँ, है ना? और नखरा करता तो आता ही ना। मैं तो वो अजीजी ने कहा कि मेरा साहब आ गया हूँ, वरना अल्लाह की रहमत से बशीर बै को मामूली व्यापारी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का हर वड्डा बंदा बशीर बै से बकरा खरीदता। अच्छा, मसलन शाबाश है, यरदारी साहब को भी मैं ही बकरा पुचा के आता हूँ। गया हूँ हफ्ता पहले, मैंने कहा साहब बादर हाजिर हो गया बशीर बै, हुक्म करे के साइज के बकरे चाहिए इस दफा। मुझे कहने लगे हो बशीर बै, साइज जोन सा मर्जी हो, बस बकरे वो ला जिन्हें गिराना ना पड़े, खुद ही गर्दन छुरी के नीचे कर दे। बशीर बै को छोटा मोटा बंदा नहीं है जनाब। ओहो, सदर साहब को बकरे दिए जा रहे हैं। आ रेलवे वाले बलौर साहब का कल अधी रात को फोन आ गया। बशीरिया दौड़ा जल्दी। ओ मैंने कहा सरकार आपने तो हफ्ता पहले ना कर दी थी, मैंने नहीं बकरे लेने। कहते आ बशीरिया, ओ 6 महीने पहले रेलगड्डी में बकरे बुक कराए थे डीजी खां से। अच्छा। आज तक नहीं पहुंचे, मुझे लगता है अगले साल ही पहुंचेंगे, बकरे लेके पहुंच जल्दी। क्या फिर बशीर बै सड़को सड़की बशीर बलौर के पास। कहते बल्ले आ बशीरिया, ओ तू ही पहुंच गया, रेल नहीं हूं पहुंच दिया। लो जा शाहरुख, याद ना बोल, ये डेटे तुमने मुझे दी हुई है। बड़े बड़े बंदे को बकरा देने गया हूँ जी। अच्छा। रहमान मलक के पास गया हूँ, वहाँ पे भी बड़े सोने बकरे लेके, बहुत अच्छा। कमाल किस्म के तगड़े जीदार बकरे लेके गया। पहुंचा तो देखते ही कहने लगे मलक साहब, ले जा फटाफट बशीरिया, निकल निकल फटाफट बकरे लेके इधर से निकल आए, ये नहीं चाहिए। मैंने कहा सरकार हुआ क्या, देखे तो सही है ना, ऐसे तगड़े दलेर सोने बकरे लेके आये। कहते हो नहीं है, ये नहीं चाहिए, इनकी शक्ल जुल्फकार मेरी से मिलती है, ऊपर से ये जितना बोल रहे हैं ये ना हो, मैं हलाल करने लगूं और ये फैले निकाल के बैठ जाए। मनोवर हसन साहब और इमरान खान साहब ने भी मुझे ही ऑर्डर दिया बकरों का। अच्छा। उन्होंने तो कहा कि बशीर बै, गोश्त बकरे में हो ना हो खल डबल होनी चाहिए। कहते हैं बशीर बै, ओ गोश्त तो रोज ही खाते हैं, खले साल बाद मिलती है दवाई खुदा दी। चौरी परवेज लाई साहब गुजरात वाले, उनके पास भी गया हूँ बकरे लेके। अच्छा। बकरे बाहर खड़े करके मुझे बुलाया उन्होंने, अंदर आ जा इधर, बड़े पुराने सज्जन अपने। और कहने लगे बशीर बै कहो जे बकरे लेके आया है। मैंने कहा सरकार बकरे नहीं है, शेर है शेर। अच्छा। बस मेरे मुंह से निकला है शेर। चौरी परवेज लाई ने जूती लाई है, बशीरा आगे आगे से चौरी पीछे पीछे, बड़ा दौड़ाया चौरी ने, बड़ा दौड़ाया पीछे से चौरी। शिजाज साहब कहते रहे छड़ दे छड़ दे, सूफी ने हाथ से चाली चैनक छड़ दी, परवेज लाई ने मुझे नहीं छोड़ा। अखीर बशीरा चढ़ गया एक दरख्त पे, ऊपर से मैंने आवाज मारी, मैंने कहा चौरी साहब जनाब मैंने कहा क्या। कहते हैं तेरे मुंह से शेर निकला कैसे, वो तू साइकिल भर के बकरे ले आता, तुमने शेर क्यों कहा है। टेक जा कितने मीता बचन, पहले तुम्हारी वजह से जुतियो जुती हो चुका बशीरा बै, इसका ही नाम पहले शेर था, फैंटी के बाद मीता बचन रखा। बशीरा बै तो शरीफ बरादरान को भी देने गया बकरे। वड्डे मियां साहब तो उस दिन गए हुए थे लंदन, शबाज शरीफ साहब ही घर मिले। मैंने जाके कहा, मैंने कहा मियां साहब
बकरे बड़े कमाल लेके आया हूँ। अच्छा। आगे से कहने लगे मैं नहीं मानता। और मैंने कहा सरकार देखे तो सही, 40-40 किलो गोश्त है। कहते हाँ मैं नहीं मानता। और मैंने कहा सरकार मुझ पर यकीन करे, दोंदे। कहते हैं मैं नहीं मानता। पास सेक्रेटरी खड़ा था, मैंने कहा यार समझा इनको। कहता अब शीरिया बह, मैं क्या समझाऊं, जब से मैंने आके कहा मियां साहब इमरान खान का जलसा आपके जलसे से बहुत बड़ा था, उस दिन से हर बात पे कह रहे हैं मैं नहीं मानता। परता है बशीरा, फिर अगला नहीं जो मानता तो फिर बशीरा की करे। बशीरा फिर जा पहुंचा कराची फरूक सितार के पास। मैंने कहा फरूक साहब बड़े कमाल छतरे लेके आया हूँ, सारी गुफ्तगू की मैंने, बकरों की कीमतें भी बताई। अच्छा। नहीं मने, जेड़ा बकरा दिखाओ ना मने। अच्छा। जेड़ा बकरा दिखाओ ना मने। पास से मुझे मुस्तफा कमाल ने कहा बशीरे बै दुकान पे चला जा और उधर से जाके टेलीफोन पे बात कर। और इनको सिर्फ टेलीफोन पे की हुई बात ही समझ आती है, डायरेक्ट नहीं समझ आती है। बशीरे की तो दुकान ही नहीं थी, फिर बशीरा आ गया घर। पहुंचिया बशीरा ही जा भट्ट साहब अल मारूफ क्रिकेट वाले। मैंने कहा भट्ट साहब कुर्बानी नहीं देनी, मुझे कहते देते छी। मैंने कहा सरकार मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके लिए वैड़ी लेके आया हूँ। अच्छा। देखी वैड़ी उन्होंने, मैंने कहा पक्का 38 मन गोश्त है इसमें। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, इस तरह की फिर दो और लेके आओ। अच्छा। मैंने कहा भट्ट साहब पक्का 38 मन है जनाब। कहने लगे ये तो हो गया 38 मन, बाकी रिश्तेदारों और गरीबों के दो हिस्से कहां से दूंगा। नाज़रीन यहां में लेना एक मुख्तसर सा वक्फा।